हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं अभी डॉकी में हूँ। कल इवनिंग में मैं शिलोंग से डॉकी आया हूँ और रास्ते में मैंने लैथलुम कैनियन, लिविंग रूट ब्रिज, बैलेंसिंग रॉक और एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज मॉलिंगनोंग विलेज को मैंने कवर किया था। एंड ऑल्सो मैंने दो दिन के लिए कैब हायर किया है शिलोंग से मॉलिंगनोंग और डॉकी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लास्ट वाले व्लॉग में बताया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस व्लॉग के बाद वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। और कल इवनिंग में ही मैंने अपने गेस्ट हाउस में चेक इन भी किया था और मैं रुका हूँ लामिन गेस्ट हाउस में। ये डॉकी मार्केट के एकदम पास में है एंड डॉकी रिवर यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो सबसे पहले आप इसका एक रूम टूर देख लो जो मैंने कल चेक इन के टाइम पे लिया था। सो यहाँ से एंट्री है और इस साइड ये कवर्ड है और कुछ इस टाइप का ये रूम है। तो ये डबल बेडरूम है और इस रूम को मैंने एक दिन के लिए बुक किया है। तो रूम काफी अच्छा और काफी स्पेसियस है और इसके लिए मैंने पे किया 2,800 रुपीज, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और इस साइड है वॉशरूम, तो काफी नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा रूम है और इस होटल का लोकेशन भी बहुत ही अच्छा है, डॉकी मार्केट के एकदम पास में ही है एंड यहाँ से डॉकी रिवर हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आई होप आपको ये रूम टूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप भी डॉकी में अपना स्टे का ऑप्शंस देख रहे हो एंड अगर आपको कैंप्स या टेंट्स में नहीं रहना है तो आप ये गेस्ट हाउस जरूर प्रिफर कर सकते हो। और अभी मैं जा रहा हूँ बोटिंग के लिए डॉकी रिवर, जो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं एंड एक ही बार डॉकी रिवर पहुंच के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो ब्रेकफास्ट में मैंने पूरी सब्जी और चाय लिया है और ये ब्रेकफास्ट मेरे होटल के पैकेज में इंक्लूडेड है। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं। A few moments later. Alright, तो अभी मैं डॉकी रिवर आ गया हूँ। तो डॉकी का सबसे मेन अट्रैक्शन यहाँ का बोटिंग है। बोटिंग के चार्जेस है 800 रुपीज पर बोट और एक बोट में मैक्सिमम 3 लोग आ सकते हैं एंड बोटिंग टाइम इज अराउंड 45 मिनट्स। डॉकी रिवर ऑल्सो कॉल्ड एज उमनॉट रिवर एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर है एंड जनवरी एंड फरवरी आर द बेस्ट मंथ्स टू कम हियर फॉर बोटिंग। ऑल्सो प्लीज रिमेम्बर, इस जगह पे इंडिया एंड बांग्लादेश के भी लोग आते हैं। तो ये रेड स्टैंड के उस साइड बांग्लादेश है एंड इनफैक्ट आपको यहाँ से बांग्लादेश के फ्लैग्स भी दिखेंगे एंड ऑल्सो कुछ आर्मी ऑफिसियल्स भी यहाँ पे होते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा पर्सन भी होते हैं जो कि DSLR से पिक्चर्स लेते हैं। मैंने भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए थे जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो आप चाहो तो इनसे बार्गेन करके पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो।
हाँ तो बोटिंग के बाद मैं वापस अपने रूम आ गया हूँ और अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देखने जो यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो सीधा अपने लोकेशन पे पहुँच के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो अभी मैं आया हूँ इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो ये जो आप ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हो इसके उस साइड बांग्लादेश है, तो आपके डॉकी ट्रिप के आइटनरी में ये जगह जरूर होना चाहिए। ऑल्सो अगर डॉकी में आपको कैंपिंग करना है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप स्नोंगपडंग में कैंपिंग करो। स्नोंगपडंग में बहुत कम ही लोग आते हैं एंड ये जगह कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ऑल्सो यहाँ पे बोटिंग, कैकिंग एंड अदर एक्टिविटीज भी होते हैं जिनके इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। डॉकी से शिलोंग अगर आप जोवाई के रास्ते से जाते हो तो रास्ते में आप क्रांग सुरी वाटरफॉल्स भी देख सकते हो। तो पार्किंग के बाद आपको नीचे जाना होगा क्रांग सुरी वाटरफॉल्स के टिकट काउंटर तक और शुरू में इस टाइप के आपको रास्ते मिलेंगे बट कुछ देर बाद स्टेयर्स बने हुए हैं नीचे तक जाने के लिए और लगभग 15 to 20 minutes लगेंगे आपको पार्किंग से टिकट काउंटर तक जाने में। एंड टिकट के प्राइसेस एंड बोटिंग के प्राइसेस आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। ऑल्सो प्लीज रिमेम्बर क्रांग सुरी वाटरफॉल्स तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक फ्लैट सरफेस के थ्रू है एंड एक स्टेयर्स के थ्रू है। तो मैं स्टेयर्स के रास्ते से आया हूँ एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप स्टेयर्स के थ्रू ही आना क्योंकि इससे आपको कम टाइम लगेगा वाटरफॉल्स तक जाने में। एंड यही है क्रांग सुरी वाटरफॉल्स, ये पूरे मेघालय का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स है। तो रेनी सीजन के बाद आप यहाँ पे जरूर आना। Alright, तो अभी जस्ट मैं शिलोंग पहुंचा हूँ और डॉकी से मैं आफ्टरनून में 1 बजे निकला था और स्नोंगपडंग और क्रांग सुरी वाटरफॉल्स देखते हुए अभी 6 बजे मैं शिलोंग पहुंचा हूँ। और 2 दिन का मेरा मॉलिंगनोंग और डॉकी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, स्पेशली कैब जहाँ से मैंने बुक किया था। तो सारा इन्फॉर्मेशन मेरे लास्ट वाला व्लॉग में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख लेना। और आज रात का मेरा स्टे शिलोंग में ही होगा, होटल इंडियाना में मैंने अपना बुकिंग किया है। तो कुछ इस टाइप का ये रूम है और कल आफ्टरनून में मैं शिलोंग से गुवाहाटी के लिए निकलूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल सीरीज। इस ट्रिप में मैंने गुवाहाटी, शिलोंग, मॉलिंगनोंग और डॉकी को कवर किया है। नेक्स्ट टाइम मेरा प्लान है चिरापुंजी को कवर करने का जहाँ पे सारे वाटरफॉल्स है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अ ट्रैवल प्लान वीडियो जिसमें गुवाहाटी, शिलोंग, मॉलिंगनोंग और डॉकी को कैसे आप कवर कर सकते हो इसका पूरा डिटेल्ड आइटनरी वीडियो में बना दूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। एंड अगर आपको मेरे इस नॉर्थ ईस्ट ट्रिप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट कर देना एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। एंड इस ट्रिप के बाकी व्लॉग्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे है तो इस वीडियो के बाद जाके जरूर देख लेना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।